आगे बढ़ेंगे। उधर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के भी एनडीए छोड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। बिल्कुल इस तरह की बात जो लोग भी कर रहे हैं, वाहियात बात कर रहे हैं, बकवास पूर्ण बात कर रहे हैं, निराधार बात कर रहे हैं, बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं। मोदी सरकार के मंत्री उपेंद्र कुशवाहा सफाई इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि एक बार फिर इनके एनडीए छोड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। कल आरा के सर्किट हाउस में उपेंद्र कुशवाहा के साथ जीतन राम मांझी के दूत दानिश रिजवान ने घंटे भर तक बात की। क्या लगता है आपको, कुशवाहा जी शामिल होंगे महागठबंधन में? हमें पूरी तरह से उम्मीद है और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। राजनीति में कोई किसी का दोस्त ना कोई किसी का दुश्मन होता है। हमें उम्मीद है कि महागठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। दानिश रिजवान के इस बयान के बाद कहने और सुनने को ज्यादा बच नहीं जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमने जनवरी में इसी प्रोग्राम में दर्शकों को बताया था कि रांची जाकर मांझी के दूत वृषण पटेल ने लालू से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दो महीने बाद मांझी ने पाला बदल लिया और एनडीए से अलग हो गए। अब एक बार फिर मेल मुलाकात का दौर शुरू हो गया है। अटकलें क्यों लग रही हैं? इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा के मुंह से निकली ये बात आपको सुननी चाहिए। लालू जी नीतीश जी एक नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी एक हो गए, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी एक हो गए। थाली देकर मीडिया ऐसा नहीं की सब बात कही। मानो कुशवाहा के मन की बात इन लोगों के बीच जुबान पर आ गई है। बिहार में कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी से 3 सांसद 2014 में जीते थे। इसमें से एक अरुण कुमार अभी उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं है। बिहार में कुशवाहा वोटरों की आबादी करीब 6% है। पहले नीतीश को ही इस समाज का नेता माना जाता था। 2014 में नीतीश जब बीजेपी से अलग थे तब उनकी कार्ड के लिए बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को मजबूत किया, लेकिन अब नीतीश के वापस एनडीए में लौटने के बाद उपेंद्र कुशवाहा को लेकर रोज सवाल उठते हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।